जय हिंद दोस्तों, आप सभी एक्सरसाइजमेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी में निकली हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के वैकेंसीज के बारे में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड कॉन्स्टेबल, तो ये जो है वैकेंसीज निकल चुकी हैं। इसका नोटिफिकेशन दोस्तों जारी हो चुका है, ये है जो कि। तो आज की इस वीडियो में हम इस भर्ती से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि एक्सरसाइजमैन के लिए इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, पे स्केल क्या होगा, एज लिमिट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, मैं आपके लिए पता है एक स्लाइड बना के आपको शॉर्ट में हमेशा बताता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, ये है वो स्लाइड जिसमें मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले तो आप सुन लीजिए दोस्तों कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं आईटीबीपी के, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है बिटवीन 29 जून 2024 से 28 जुलाई 2024 तक। ठीक है, तो 29 जून से 28 जुलाई 2024 तक आपको अपनी एप्लीकेशन के लिए फिलअप करना जरूरी है। आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड हेड कांस्टेबल वैकेंसीज की डिटेल्स। ठीक है, तो दोस्तों डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एज पर पोस्ट बेस्ड रोस्टर आरएस अंडर। तो सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों जो वैकेंसीज हैं वो हैं टोटल 10। नेक्स्ट दोस्तों, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट। तो दोस्तों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसीज 5 हैं और हेड कांस्टेबल मिडवाइफ ओनली फीमेल, इसमें जो है वो 14 वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आर्मी में पिछले कुछ सालों से सीएमपी में जो है वो लड़कियाँ भी भर्ती हो रही हैं, और उनमें अगर कोई भी ऐसी रिक्रूट्स है जो ट्रेनिंग के टाइम पे ही मेडिकल कैटेगरी होके बोर्ड आउट बाहर हो गई थी, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए मैं ये वाला कॉलम बता रहा हूँ। एज रिलैक्सेशन फॉर ईएसएम। तो दोस्तों ईएसएम के लिए जो एज का रिलैक्सेशन होगा वो सेम वही है दोस्तों, 3 साल। तो आपको क्या करना है, आपकी जितनी सर्विस है, सॉरी जितनी एज है, उसमें से अपनी एक्चुअल सर्विस के लिए आप माइनस कर दीजिए, जो एज आए उसमें से फिर से 3 साल माइनस कर दीजिए, फिर आपकी जो एज है वो परमिटेड लिमिट जितनी इसमें मांगी जा रही है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो दोस्तों इसमें जो एज मांगी जा रही है वो मांगी जा रही है दोस्तों 21 से 30 साल। तो ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी 10+2 एग्जामिनेशन पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट आपको पास होना जरूरी है। अभी दोस्तों जैसे कि यहाँ पर सब इंस्पेक्टर नर्स की वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर हैविंग पास्ड एग्जामिनेशन इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ठीक है, तो आपके पास में दोस्तों जो है वो नर्सिंग का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और वो सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल और स्टाफ नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की। तो इसके लिए दोस्तों जो आपकी एज लिमिट है वो 20 से 28 है, सर्विसमैन के लिए जो मैंने अभी तरीका बताया था उस हिसाब से आप कर लेना, तो आपकी एज आपको पता चल जाएगी कि आप इसमें अप्लाई करने के काबिल हैं या नहीं। इसमें भी दोस्तों 10+2 मांगा जा रहा है विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से, डिप्लोमा इन फार्मेसी और रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों हेड कांस्टेबल मिडवाइफ ओनली फीमेल कैंडिडेट्स। तो दोस्तों यहाँ पर जो सीएमपी के रिक्रूट्स हैं, क्योंकि वो रिटायर तो ही नहीं है अभी, उनकी पेंशनेबल सर्विस नहीं हुई है, लेकिन इस पॉइंट को कवर करने का मतलब ये है क्योंकि अगर कोई मेडिकल बोर्ड आउट हुई है लड़की तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकती है एज ए एक्सरसाइजमैन। तो एज लिमिट दोस्तों 18 से 25, पास्ट आपके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th क्लास होगी, यानी कि 10वीं पास होना जरूरी है। पास्ट ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफी कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो जो दोस्तों आपका मिडवाइफी का कोर्स है
वो आपको क्वालिफाई होना जरूरी है, पास्ड होना जरूरी है और रजिस्टर्ड होना चाहिए आपको काउंसिल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि नर्सिंग काउंसिल से आपको रजिस्टर्ड भी होना जरूरी है। एक्स रिक्रूट्स, यहाँ पर देखिए मैंने स्लाइड में लगाया है, एक्स रिक्रूट बोर्डेड आउट और रिलीव्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स एंड ग्रांटेड मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन फॉर ESM, PET एंड PST, तो दोस्तों 10% आपके लिए एक्स रिक्रूटमेंट को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। PET विल नॉट बी हेल्प फॉर एक्स रिक्रूटमेंट, तो एक्स सर्विसमैन के लिए PET की जरूरत नहीं है। हाउएवर एक्स सर्विसमैन विल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द रिक्विजिट PST और रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो PET यानी कि फिजिकल जो टेस्ट होता है वो आपके लिए यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपको PST में करना पड़ेगा। तो PST दोस्तों जो होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, तो आपको पता ही, आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो इसमें 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी जा रही है, बस आप क्लियर कर लेंगे, इसलिए मैंने उसकी स्लाइड यहाँ पर नहीं लगाई है। रिटन एग्जाम और स्किल ऑब्लिक प्रैक्टिकल टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन आपको पास करना जरूरी है। हाउ टू अप्लाई, तो दोस्तों ITUP की ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इस पर जाकर आप 29 जून से 28 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो फीस होगी दोस्तों वो सब इंस्पेक्टर के लिए 200 रुपये है और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के लिए है दोस्तों आपकी 100 रुपये। हाँ, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 100 रुपये है और हेड कांस्टेबल के लिए कोई भी, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है। पे स्केल दोस्तों इस प्रकार है, आपके सब इंस्पेक्टर का पे स्केल 6000, सॉरी लेवल 6 होगा, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो पे लेवल होगा वो लेवल 5, और हेड कांस्टेबल मिडवाइफ का जो पे लेवल है वो है 4। तो पे लेवल 6 में 35,400 से 1,12,000 तक आपकी एज पर सेवेंथ CPC, सेवेंथ पे कमीशन आपका सैलरी डिसाइड होगी, और 29,200 से 92,300 लेवल 5 में, और 25,500 से 81,100 रुपये लेवल 4 में। चलिए रिटन एग्जामिनेशन, तो दोस्तों सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के लिए आपका जो पेपर होगा वो एक पेपर होगा जो कोई जो कि 100 नंबर का होगा। उसमें जनरल इंटेलिजेंस के 10 क्वेश्चंस होंगे 10 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस होंगे 10 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी कम्प्रिहेंशन होगी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और ट्रेड ऑब्लिक प्रोफेशन रिलेटेड होंगे 60 क्वेश्चन 60 नंबर। तो इस प्रकार 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।